बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतिमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं शवाल अमीन। दोस्तों, हम आपको अपनी वीडियोस के अंदर बता चुके हैं स्काईलाइट मॉल इन रेजिडेंसी के बारे में, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फैसल हिल्स के अंदर है। और फैसल हिल्स में इतनी हमने स्काईलाइट 109, स्काईलाइट 63 आपको इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों हमने तर्ज के आपको अपार्टमेंट्स दिखाए, अपार्टमेंट्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल शॉप्स हमने आपको दिखाई। तो ये सब इन सब का मकसद ये था कि हम जितनी सहूलत हो सके आप तक पहुंचा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, और जो इन्वेस्टर है उसका पैसा ना डूबे, वो हमेशा ही अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाए। सिक्योर बनाने का मैं क्यों कह रहा हूँ, हमने बहुत सारी फ़ाइल्स भी एडजस्ट करवाई हैं, और फ़ाइल्स को हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर उसकी कोई फ़ाइल है, मल्टी फेज़ टू की फ़ाइल है, आपके पास फैसल टाउन फेज़ टू की कोई फ़ाइल है, या फिर इस तरह की कोई सोसाइटी जिसमें आपने अपनी फाइल ली है, चाहे वो फैसल हिल्स में क्यों ना हो या किसी और सोसाइटी में, आप कह लें कि आपके पास कोई फाइल है, आपने वो ली, अलमारी में रखी, उसके बाद आप जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिटर्न आएगा, लेकिन हुआ क्या, आपकी फ़ाइल माइनस में चली गई। आपको जो है 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख के भी नुकसान हमने देखा है कि जो गुजर खान साइड पर सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इतना बड़ा नुकसान भी लोगों को हुआ है अभी तक। तो उनसे बचने के लिए उन सोसाइटीज़ जिस तरह कुछ फ्रॉड सोसाइटीज़ भी हैं, कुछ लीगल हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक डाउनफॉल आ चुका है रियल इस्टेट के अंदर। और उस रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा जो ड्रास्टिकली जो चेंज हमने देखा है, जो नेगेटिव चेंज देखा है, वो हमने फाइल्स में ही देखा है। तो लोगों ने फाइल्स ली, नुकसान किया, उससे बचाने के लिए एतमाद ने क्या किया, उन फाइल्स को एडजस्ट करवाया स्काईलाइट 63, स्काईलाइट 109 के अंदर, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के अंदर, और आपको एडजस्ट किया अच्छे रेट के ऊपर। जो माइनस चल रहा है वो आपको जो मार्केट में माइनस चल रहा है उससे काफ़ी कम में एडजस्ट करके दिया, और काफ़ी अच्छी कीमत में आपसे वो प्लॉट वो फाइल ली, और एडजस्टमेंट में आपको जो है अपना एक अपना आज़ादी अपार्टमेंट दे दिया गया, जिसकी पर मंथ आपने कुछ अदायगी करनी है। ये ऑफ़र अब भी मौजूद है, और अब आपको जो है नए प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपको एडजस्ट करवाई जा सकती है फाइल्स। और नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको हमने बहुत बताया कि यार इसके फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर सुहैना है, जकूजी है, इसके अंदर जो है आपका स्विमिंग पूल है, फिर जिमनेजियम आपका होने वाला है, स्टीम बाथ है, ये सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। ब्रांड्स तो हैं ही, रिसेंटली ब्री से बात हुई है, ब्री से जो है वो MOU साइन हो चुका है कि यार अब ये ब्रांड जो है वो इंशाल्लाह एतमाद स्काईलाइट मॉल एंड रेजिडेंसी में होगा। मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो ब्रांड्स हमेशा वहीं, मैं बार बार कहूँगा कि ब्रांड्स हमेशा वहीं पर मुतवज्जे होते हैं जहाँ पर वो फ्यूचर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या फ्यूचर है, फ्यूचर ये है कि फैसल हिल्स की एक ऐसी सड़क जो कि आप देखते हैं मेन बुलेवर्ड आती है और वो यहाँ पर टच करती है, बिल्कुल आप साथ देखें तो इस लोकेशन के अंदर हमारे पास स्काईलाइट 63 जैसा प्रोजेक्ट मौजूद है, जो कि खड़ा कर दिया है स्काईलाइट बिल्डर्स और एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से। फिर जो है पीछे आपको स्काईलाइट 109 मिलता है, जो कि सिविक सेंटर के ऊपर मौजूद है, सिविक सेंटर में DRs के बिल्कुल साथ, उसमें बिल्कुल सोल्ड आउट है। 63 स्काईलाइट 63 के अंदर सोल्ड आउट है, एक चंद एक शॉप्स बची हैं, अगर वो आप किसी वजह से आप ले नहीं पा रहे या वो नहीं है, तो इसके रेट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और प्री लॉन्च रेट्स हैं। प्री लॉन्च रेट्स का फ़ायदा उठाने के लिए, रमज़ान ऑफ़र का फ़ायदा उठाने के लिए, अब रमज़ान ऑफ़र क्या है, मुझे नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉल करें और आप नुमाइंदे से पूछें और उनसे कहें कि प्री लॉन्च रेट तो ये है जो आपने मुझे भेज दिया, लेकिन साथ आप उससे ये सवाल करें कि जो रमज़ान ऑफ़र है वो क्या है, रमज़ान ऑफ़र के तहत आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा। तो डबल डिस्काउंट के लिए इसी रमज़ान के अंदर आप ये फैसला कर लें इंशाल्लाह, तो आपका फैसला जो है वो अच्छा साबित होगा। ईद के बाद ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्री लॉन्च रेट भी ख़त्म हो जाएगा और ईद के काफ़ी बाद ख़त्म होगा, लेकिन रमज़ान ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो प्री लॉन्च रेट्स और रमज़ान ऑफ़र जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है, जो भी बुकिंग आगे होगी वो अच्छे रेट पर ही होगी। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर इसमें बेसमेंट पार्किंग है, और उसके बाद जो है आगे यहाँ पर शॉप्स मौजूद हैं, जो कमर्शियल एरिया है, ग्राउंड की आपको कमर्शियल एरिया की बात, जहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं। फिर थर्ड से फिफ्थ फ्लोर में आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। अब मॉल एंड रेजिडेंसीज को कहा जा रहा है, तो ये मॉल की तर्ज पे बनाया जाएगा, प्लाजे की तर्ज पे नहीं होगा,
ये एक प्रॉपर मॉल के तौर पर उभर के सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड्स हैं, यहाँ पर जो भी आ रहे हैं ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, या फिर जो अगर लोकल शॉप्स भी आ रही हैं तो लोकल लोग भी आना चाह रहे हैं तो उनको भी वेलकम है, लेकिन वो अपना स्टैंडर्ड इंशाल्लाह इसके अंदर मेंटेन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो अपने स्टैंडर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे बजाय इसके कि यार इसकी कीमत अदा करें, इसकी कीमत ही ऐसी है, इतना कम है कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। अब यहाँ पे बेसमेंट है जो कि पार्किंग के लिए मख्तस है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप ग्राउंड फ्लोर की बात करें, फिर जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है ये दोनों जो हैं आपके पूरा मॉल होने वाला है इंशाल्लाह। उसके बाद थर्ड टू फिफ्थ फ्लोर ये वाले आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होने वाले हैं। तो ये जो प्लान है इसका मैप के अंदर भी प्लान मौजूद है, जो मास्टर प्लान है आप रابطہ करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे तमाम चीज़ें भेज दी जाएंगी कि यार शॉप्स उसका लेआउट प्लान क्या है, वो आपको ऊपर से जो नक्शा दिखाया जाता है वो भी मौजूद है। तो वन बेड टू बेड थ्री बेड अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में शॉप्स भी मौजूद हैं, मॉल के अंदर शॉप्स हैं। तो आप कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं या रेजिडेंशियल में इंटरेस्टेड हैं, हाई राइज का दौर है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बना सकते हैं स्काईलाइट एतिमाद स्काईलाइट मॉल एंड रेजिडेंसी के ज़रिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।